अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आई हूँ लेटेस्ट मार्केट, जो कि सब स्टॉल्स पे चीज़ें लगती हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, वो बैग लगे हुए हैं। यहाँ पे सभी चीज़ें स्टॉल पे लगती हैं और ये लोग रात को इनको बंद करके स्टॉल्स अपने इकट्ठे करके चले जाते हैं। ये एक बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अभी तो ये कोविड की वजह से टूरिस्ट वगैरह नहीं आते, तो ये लोग मार्केट जल्दी बंद करते थे, नहीं तो ये 2 बजे तक खुली रहती थी। तो चले मैं आज आपको इसका विजिट कराती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये चाइनीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये बच्चों के भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जब इनका कोई चाइनीज़ न्यू ईयर या कोई भी फंक्शन आता है तो ये लोग पहनते हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं बच्चों के। हर एज के फीमेल और मेल्स के भी रखे हुए हैं। ये फीमेल्स के और बॉयज़ के, ये लड़कियों के छोटे बच्चियों के कपड़े और ये लड़कों के हैं, छोटे जो बेबीज हैं उनके। आजकल इधर रश नहीं है क्योंकि कोविड की वजह से फ्लाइट भी दोबारा से बंद हो गई है। नहीं तो इस मार्केट में बहुत रश होता है। ये माइक से नहीं माइक, ये गुची है, रमानी जवानी, और ये चाइनीज, ये लोग चाइनीज में तो ये लोग बहुत ज़्यादा बाय करते हैं। वो देखिए, लिटिल पोनी का कॉस्ट्यूम, क्रोकोडाइल का, ये चाइनीज ट्रेडिशनल डिजाइन है सारे। और ये कॉस्ट्यूम, ये देखिए काफी यूनिक टाइप के बैग है, मैंने खुद पहली बार देखे हैं। देखने में टेडी बेयर लगा है, ये बैग है इसकी जिप। और ये तो बहुत छोटे छोटे बैग हैं। नहीं जी, ये है 1000 का नोट हांगकांग डॉलर्स में, ये वॉलेट्स बनाए हुए हैं। और ये है जी 100, और ये आपको अगर पाउंड चाहिए तो यहाँ पे पाउंड भी पड़े हुए हैं। $10 का एक पाउंड है, 100 पाउंड का नोट है। और ये फेक लेदर है। और ये देखें आप, ये देखिए बैग यहाँ पे काफ़ी फेमस है। जब इनको कोई फंक्शन वगैरह होता है, ये चाइनीज वो सिल्क का भी, बाजी हमने बाय कोई नहीं करना।
ठीक है ना, आप आ जाओ। ये देखो बच्चे तंग करते रहते हैं हमेशा। यहाँ पर अभी जो है ना आपको हर तरह की क्वालिटीज ऑफ वॉलेट हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन गारंटी कोई नहीं है, सारे दो नंबर ही हो सकते हैं। ये देखो प्राडा, गुची, ये जो मार्केट है ना इसका जो हिसाब है वो है पाकिस्तान की तरह, जैसे पठान मार्केट नहीं होती, पठानों की तरह ये बोलते हैं प्राइस इतनी हाई। उसके बाद जो है ना प्राइस गिरा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें जो है ना नाइट मार्केट में टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए होती हैं, वो वैसे बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। और ये आनियन को दूध पिलाते हुए स्ट्रगलिंग हो रही है। जी कोविड की वजह से ये मार्केट अब बहुत जल्दी बंद होने लगी है, पहले ये 2 बजे तक खुली रहती थी तो लोग यहाँ पे आके काफ़ी इन्जॉय करते थे, शॉपिंग भी करते थे, और जो टूरिस्ट आते थे हांगकॉन्ग में वो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन थी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे विजिट करने आते थे, शॉपिंग भी करते थे। लेकिन अब बहुत से लोगों के बिज़नेस कोविड की वजह से ख़त्म हो चुके हैं, और जो है ये यहाँ पर बहुत से लोगों ने ये स्टॉल्स वगैरह लगाना भी बंद कर दिए कोविड की वजह से, तो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी मुतासर हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये कोविड ख़त्म हो जाए ताकि सबकी ज़िंदगियाँ बैक टू नॉर्मल हो जाएं। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग था, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो, क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ बंद हो रहा है, यहाँ हांगकॉन्ग में भी 4th वेव आ चुकी है, तो हम लोगों का भी निकलना बाहर बंद ऑलमोस्ट हो चुका है। तो हमने सोचा कि आपको आज ये नाइट मार्केट और लेडीज़ मार्केट की बैक हो जाए, आई होप आपको पसंद आई होगी। चलें फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।